हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में। यहाँ आपको मिलती है सरकारी एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी। तो फ्रेंड्स, अभी हम मौजूद हैं एसएससी के ऑफिशियल साइट पे, जहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए है। फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस का रिजल्ट जो बहुत लोगों का इंतजार था बहुत दिनों से, वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके साथ साथ आपका फाइनल आंसर की भी अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स आपको जोन वाइज, रीजन वाइज आपका कटअप बताने वाले हैं, आपकी स्टेट वाइज, और कटअप आप कैसे चेक कीजिएगा आपके कैटेगरी वाइज। तो आप इस वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं, आप देखते हैं एसएससी। तो फ्रेंड्स, अभी हम होम पेज पे मौजूद है, जहाँ पे आप 5 तारीख की अपडेट, 2 अपडेट देख रहे हैं, जहाँ पे एमटीएस का आंसर की और एमटीएस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो चलिए रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। और फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने पीडीएफ खुल के सामने आएगा, जिसमें कुछ डिटेल दिए गए हैं, मैं पढ़ के एक एक करके आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे जैसा कि आपको मेंशन किया गया सारा डिटेल कि आपका एग्जाम कब से कब लिया गया था, तो 2/8/2019 से 22/8/2019 तक 13 दिनों में एग्जाम हुआ था। और टोटल कैंडिडेट जो अपेयर हुए थे फ्रेंड्स इस एग्जाम में, तो वो हुए थे 19,19,004 स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार कुछ और डिटेल दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको बता दूं, अगर आप आंसर की कैसे चेक करने में आपको परेशानी हो रही है, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है और वो वीडियो का लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऊपर आई बटन दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना आंसर की मैच कर सकते हैं, अपना नंबर नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नीचे जाते हैं स्क्रॉल करके और आपका रीजन वाइज आपका कटअप देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले यहाँ पे बिहार रीजन का दिया गया है कटअप, जो कि सेंट्रल सेंट्रल रीजन में आता है बिहार स्टेट। और इसमें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल तक कटअप दिया गया है। आप मैच कर सकते हैं, आप जिस कैटेगरी से अप्लाई किए हुए हैं उस कैटेगरी में आपका मार्क्स अगर अच्छा आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे आपका। और फ्रेंड्स, बता दें आपको जल्द ही इसका लिस्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा एसएससी के साइट पे। तो यहाँ पे आप कटअप देख सकते हैं, जैसे जनरल का मैं कटअप बता देता हूँ, 82 गया है, जो कि फ्रेंड्स अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि ईडब्ल्यूएस से कम ही कटअप गया है जनरल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, बहुत से फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए थे जो कि जनरल थे पहले, तो उन लोगों के लिए थोड़ी परेशानी है क्योंकि हो सकता है वो अफसोस करें। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जो दूसरे नंबर पे है, वो भी सेंट्रल रीजन में आते हैं, तो बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश का कटअप थोड़ा सा कम गया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड ये भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे आपको पता है कि यहाँ पे कटअप हमेशा हाई जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ का जनरल का आपका कटअप मैं दिखा देता हूँ, 75.82 और बिहार का गया था 82.36, जो कि बहुत कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार फ्रेंड्स आपके अन्य स्टेट, अन्य रीजन का कटअप नीचे दिया गया है, मेंशन किया गया है, मैं सारा पढ़ के बताना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप अपना इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाके अपना रिजल्ट चेक कीजिए। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी वीडियो एसएससी एमटीएस के देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसी कोई इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करें तो वो आपको इजीली प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।